ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। कल दिवाली है और इस उपलक्ष्य में आप कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं जिसके बाद आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाएगा। लक्ष्मी का जो स्वभाव है वो चंचल होता है, तो आपके पास कभी पैसा होता है कभी नहीं होता, लेकिन उसी पैसे को अगर आप स्थिर करना चाहते हैं कि आपके पास बस पैसा रुकता ही जाए कहीं जाए ना, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी साधना करनी होगी। कल रात 9 बजे से 12 या फिर 2 बजे तक आप ये साधना कर सकते हैं। इस काल में आप अगर ये साधना करते हैं तो ये फलीभूत हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है आपको कि श्री शुक्त का पाठ करना है 108 बार एक चांदी के सिक्के पर। आपको एक यज्ञ भी करना होगा, उसमें घी, हवन सामग्री, इलायची और जो जो सामान लगता है वो सारा आप जितना भी प्योर डाल सके जितना अच्छा होगा, आप जितना जिस तरह से अगर बाज़ार से ना लाकर खुद बनाएं अगर हवन सामग्री को, तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो अगर पूरी डिटेल्स चाहिए तो वेबसाइट पर जाइएगा sirstop.com, वहाँ पर इसकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। और आपको क्या करना है कि श्री सूक्त का पाठ करना है 108 बार। दिवाली की रात्रि में श्री सूक्त का पाठ करना है और एक चांदी का सिक्का हवन कुंड के बिल्कुल तले में रख देना है और उसके ऊपर आपको लकड़ियाँ लगानी है आम की। और उसके बाद इस पर 108 बार जब आप ये करें तो उस सिक्के के ऊपर उसकी आँच गिरनी चाहिए। हवन कुंड में सबसे पहले सिक्का रखिएगा चांदी का, उसके बाद जो भी सामग्री है जो भी लकड़ी आप रखें उसके ऊपर रखिएगा। और इसके बाद ये कीजिएगा, जब 108 बार पूरा हो जाए तो हवन कुंड को कहीं साइड में रख दीजिए या फिर सुबह उठकर देखिएगा। सुबह उठकर वो जो चांदी का सिक्का आपको मिलेगा उसको लाल कपड़े में बांध कर अपने गले में रख लीजिएगा। अगर आपकी शॉप नहीं है तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं। और यकीन मानिए, जब तक ये सिक्का आपके पास रहेगा तब तक माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थिर रूप में रहेगा, चंचल नहीं रहेंगी। आपके पास पैसा अनजाने रास्तों से आता रहेगा। ये छोटा सा उपाय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसने आपके लिए कितना धन अर्जित करके दिया है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो कॉल कीजिएगा 9992841625 पर। धन्यवाद।